छोटी, हमारे घर में आज लौकी की दाल बन रही है, तुम्हें पसंद है ना? नहीं दीदी, नहीं दीदी, मुझे लौकी की दाल तो नहीं पसंद है। इसे कुछ अलग रेसिपी बनाओ ना। ठीक है, आज लौकी से कुछ अलग से रेसिपी ट्राई करेंगे। इसके लिए ले लेंगे एक लौकी, इसमें 3 से 4 लौंग डालकर रोटी सेकने के एक स्टैंड पर रखकर इसको सेक लेंगे। ये तो पसंद है ना? बहुत ही अलग दिख रहा है दीदी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको धो लेंगे। आप छुरी की मदद से भी इसको साफ कर ले सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। इसके साइडों को काट लेंगे। इसको बीच में से काट कर छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। इसको लौकी को बीन्स ना पसंद हो तो इसको साइड में कर सकते हैं। आप मिक्सी में भी इसको दर दरा पीस सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, झटपट से बन जाती। छोटे पीसों में काट कर साइड में रख लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई। और इसमें डालेंगे करी पत्ता। दो कटी हुई प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियां। 2 मिनट तक सॉटे करेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे टमाटर कटे हुए। तो टमाटर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे इसको। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लेंगे। इसमें डाल देंगे छोटे छोटे पीसों वाली लौकी। इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये तो पसंद है ना छोटी? हाँ दीदी, हाँ दीदी, ये तो मजे का लग रहा है दीदी। चलो इसको ट्राई करते हैं। राइस के साथ या आप रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मैं राइस और चिकन करी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। चलो आप खा लो छोटी, तुम खाकर बताओ कैसा बना है। वाओ दीदी, बहुत ही मजे का बना है ये।